हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 अक्टूबर मंगलवार के शुभ योग में आ रही एकादशी के दिन हल्दी और तुलसी से किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी और श्राद्ध एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाया हो तो उसे इंद्रा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इंद्रा एकादशी का व्रत पूर्वजों का श्राद्ध करने के समान फल देता है। इससे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं इंद्रा एकादशी का व्रत कब है। दोस्तों, इंद्रा एकादशी व्रत तिथि होगी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर की दोपहर 12:36 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर की शाम 3:08 पर। पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से 12:37 तक। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37। व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक। दोस्तों, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 11 अक्टूबर की शाम 5:37। आइए जान लेते हैं इसकी व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, पितृ पक्ष की इस एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं और फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का ध्यान कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। यदि आपके घर में शालिग्राम है तो पूजा के स्थान पर स्थापित करें, अन्यथा भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। दोस्तों, इसके बाद गंगा जल, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी दल आदि से पूजन करें। पूजा के बाद नैवेद्य चढ़ाएं और व्रत कथा पढ़ें। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो नारायणाय मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार जाप करें और फिर आरती कर लें। आइए जान लेते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा कर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के नामों का 108 बार जाप करें। एकादशी की शाम पीपल के पेड़ की पूजा कर पेड़ के नीचे दीपक जलाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन पीली चीजों का दान करना श्रेष्ठ व शुभ फल प्रदान करता है। एकादशी की रात पूजा के समय थोड़ी सी हल्दी या एक हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी जी के समक्ष रखकर पूजा करें। पूजा के बाद इस हल्दी को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से धन संपदा में वृद्धि के योग बनते हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। एकादशी पर तुलसी की पूजा कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। पूजा के बाद पूजा में अर्पित किए पत्ते में से एक पत्ता लें और इस पत्ते को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। कुछ ही समय में धन लाभ के योग बनने लगेंगे। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीपल के पेड़ पर एक लोटा मीठा जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी पूजन कर तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।